बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। वेलकम करते हैं वाओ नई अपडेट टीवी में। प्यार दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पढ़ लिया होगा, इस्लामाबाद एयरपोर्ट से 350 मुसाफर रवाना, यूएई जाने वालों के तमाम मसाइल हल हो गए, आप लोगों को बताएंगे इसी शॉर्ट सी वीडियो में। तो प्यार दोस्तों, वीडियो पूरी देखिएगा, लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक रिक्वेस्ट करते चलें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने प्यार से हाथों से बेल आइकन को भी लाजमी दबा लीजिए, ताकि हर अपडेट्स आप तक इसी तरह हम सबसे पहले पहुंचाते रहें। आप लोगों को ये तो पता होगा कि यूएई की सातों रियासतों में से किसी भी रियासत से कोई भी छोटी से छोटी अपडेट्स क्यों ना हो, हम सबसे पहले आप तक पहुंचाने की कोशिश करते रहते हैं। आप लोगों को बताएंगे कि 350 मुसाफिर कैसे गए, उन्होंने कौन कौन से टेस्ट करवाए। देखें, आप लोगों को बताते चले कि रैपिड टेस्ट की जो सहूलत थी पहले सिर्फ और सिर्फ इस्लामाबाद और सियालकोट एयरपोर्ट पर मयसर थी, लेकिन अगर अब आप लाहौर से या मुल्तान से या कराची से जा रहे हो तो वहां भी रैपिड टेस्ट की सहूलत मौजूद है। आप लोग अब किसी भी एयरपोर्ट से जा सकते हो। और मेन चीज आप लोगों को बताते चले, पहले रैपिड टेस्ट की जो टाइमिंग थी वो सिर्फ 2 घंटे की थी, लेकिन अब वो बढ़ाकर 6 घंटे की कर दी गई है। बड़ी खुशखबरी है आप लोगों के लिए। तो प्यार सोचो, जल्द से जल्द आप भी यूएई के लिए सफर कर सकते हो।